साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों पर। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर इजरायली विरोध प्रदर्शन में एक पत्रकार ने खुद को आग के हवाले कर दिया। सैमुअल मेना जूनियर के रूप से पहचाने गए एक फोटो पत्रकार ने शनिवार 5 अक्टूबर को इजरायली हमलों और कार्रवाइयों का विरोध में अपनी वहां पर आग लगा ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राहगीरों और पुलिस अधिकारियों को उसकी सहायता के लिए दौड़ते हुए देखा जा सकता है। लोगों ने पानी और कपड़ों के टुकड़ों से आग की लपटों को बुझाया। समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक पत्रकार ने खुद को आग लगाते हुए इसराइल और पश्चिमी एशिया के देशों के साथ जंग के संदर्भ में कहा, मैं एक पत्रकार हूं और हमने आंखें मूंद ली हैं। हम अफवाह फैला रहे हैं। आपको बता दें, घटना से पहले सैमुअल मेना ने अपनी वेबसाइट पर एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया था, जिसमें गाजा युद्ध को कवर करने में मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया था। उन्होंने लिखा था, गाजा में उन 10,000 बच्चों को जिन्होंने इस संघर्ष में एक अंग खो दिया है, मैं अपना बायां हाथ आपको देता हूं। फिलहाल मेना किसी भी खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित भव्य एयर शो की वजह से चेन्नई में लाखों लोग फंस गए। एयर शो देखने गए 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 230 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यातायात अधिकारियों की खराब समन्वय के कारण शहर के कई हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली, क्योंकि मरीना बीच पर एकत्र हुई भारी भीड़ को कार्यक्रम के बाद तितर बितर होने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एयर शो देखने के लिए सुबह 11 बजे से पहले ही लोग मरीना बीच पर इकट्ठा हो गए थे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के उद्देश्य से आयोजित इस एयर शो में करीब 16 लाख लोग शामिल हुए थे। हरिद्वार के सांतरसाह में एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और वसीम भाई की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने का आगाज किया है। चंद्रशेखर आजाद ने धरने के दौरान कहा, आप सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, लेकिन आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। आप विरोध कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से मैं अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाता हूँ, वो आप नहीं कर सकते। कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्षद बनने की भी हैसियत नहीं रखते, लेकिन फिर भी अपने समाज के लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलने में शर्माते हैं, लेकिन मैं सड़कों से लेकर संसद तक अपने समाज की आवाज़ उठाता रहूंगा। इस घटना के बाद से स्थानीय समुदाय में गहरी नाराजगी है। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वे मामले में ढिलाई बरत रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी में असफल साबित हो रहे हैं। सांसद आजाद ने इस पर भी सवाल उठाया और कहा कि अगर प्रशासन तुरंत कार्रवाई नहीं करता है तो वे और भी कठोर कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। धरने के दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में नारे लगाए और न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक दलित बच्ची की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और न्याय की भावना का भी है। बिहार के रोहतास जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां सोन नदी में नहाते समय एक ही परिवार के 7 बच्चे डूब गए। इस हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 2 बच्चे अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। यह घटना रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के सुदूर तुम्बा गाँव की है। रिपोर्ट के मुताबिक गोंडा परिवार के 8 बच्चे रविवार 6 अक्टूबर को सोन नदी पर नहाने गए थे। नहाने के दौरान एक बच्चा नदी में डूबने लगा, उसे बचाने के दौरान 7 बच्चे और डूब गए। वहीं 8वें बच्चे ने घटना की जानकारी लोगों को दी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी और तुरंत घाट पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने 5 बच्चों के शव नदी से बरामद कर लिए, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश स्थानीय प्रशासन कर रहा है। बता दें, मौके पर SDM सूर्य प्रताप सिंह और SDPO कैंप कर रहे हैं। SDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि डूबने वाले बच्चों में एक लड़की और 7 लड़के शामिल हैं। एक लड़की और 4 लड़कों के शव बरामद कर लिए गए हैं, वहीं 2 लड़के अभी भी लापता हैं। बागेश्वर धाम स्थित प्रसाद की दुकानों और रेस्टोरेंट पर खाद्य औषधि विभाग ने छापा मारा है। यह कार्रवाई भक्तों को दूषित प्रसाद बेचने के संदेह में की गई है। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 प्रसाद की दुकानों सहित 2 होटलों के सैंपल लिए गए हैं। दूषित प्रसाद बेचने के संदेह पर कलेक्टर के निर्देश पर छापा मारने की कार्रवाई की गई है। साथियों, हमारा यह बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।